అండ్ జో పా దరియా प्रावधान ये सरकार ने ఏ సర్కార్ని కయా ఉస్మే తెలుగు నేను ఫస్ట్ మూవీ షూట్ చేసినప్పుడు నేను రాజమండ్రిలో షూట్ చేశానండి గోదావరి కృష్ణ మీరు ఫైనాన్స్ బజర్లో అనౌన్స్ చేసినప్పుడు నా హార్ట్లో మొత్తం రీఫ్రెష్ అయ్యాను అని అప్పుడు నేను ఐ యాక్చువల్లీ థ్యాంక్స్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ కి గోదావరి నేమ్ కేమ్ ఇన్ దిస్ హౌస్ అండ్ ఎందుకంటే అండి అక్కడ పువర్ लेवल फार्म चाल मंदी लो कनेक्टिविटी से निरीवर की ना ना फ्रॉम माय साइड आई एक्चुअली थैंक यू आई बिलोंग टू महाराष्ट्र बट दैट इज माय कर्म भूमि दैट इज महाराष्ट्र इज माय जन्म भूमि थैंक यू मैडम और फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फाइव करोड़ रुपीस की लागत से कैंट बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर लैंड को को जोड़ने वाला है सोलार एनर्जी एंड प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा आई एम डूइंग इट वेरी फास्ट फास्ट सर बिकॉज यू हैव नॉट गिवन सो मच टाइम बट किसानों के हित में जो ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने इस वर्ष के बजट में फलों और सब्जियों को रिलेटेड पैकेजिंग के लिए जो देश के छोटे किसान हैं उनका भी ध्यान रखते हुए उनको किस तरीके से सुविधा मिलनी चाहिए उनको व्यापार में कैसे और मदद करते आए उसका भी ध्यान रखा गया है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 130 लाख ,00 से अधिक एमएसएमईज जो जब कई ऑपोजिशन ने बोले कि एम 99 परसेंट खत्म हो गई है उसी को बढ़ावा देने के लिए उनको मजबूत करने के लिए पाँच लाख ,00 करोड़ से भी ज़्यादा की ये डिपार्टमेंट को मदद किए कि आने वाले समय में अगर एम अगर मजबूत होंगे तो रोजगार का और निर्माण होगा सर जस्ट सर आई हैव वेटेड फ्रॉम सो लॉन्ग सर एंड इट इज़ ऑलमोस्ट टेन इन द नाइट और पी एम ई विद्या के माध्यम से जो आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा पहली से बारहवीं तक ऑनलाइन चैनल्स के माध्यम से उनके लोकल चैल लोकल भाषा के माध्यम से उनको एजुकेशन दिया जाएगा वो भी एक स्वागत करने जैसा है आज दो लाख आंगनवाड़ीज हम कौन से क्षेत्र 75 फाइव ईयर सेलिब्रेशन कर रहा है आज हमारा देश पर आज भी हमारी आंगनबाड़ीज में पानी नहीं है शौचालय नहीं है बच्चों को बैठने के लिए अच्छी जगह ही नहीं है उसका भी प्रावधान किया कि दो लाख आंगनबाड़ियों को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए उनको मजबूत करने के लिए सुविधा देने के लिए सरकार में लाया गया है उसका भी स्वागत करना चाहिए और अस्सी लाख मकान पंत प्रधान आवास योजना के माध्यम से इसमें कुछ त्रुटियां हैं जो महाराष्ट्र रिजेक्ट करती है ड की यादी में तो उसमें सिर्फ हमें चेक करके किन लोगों को जरूरतमंद दो हज़ार की के सेंसिस के अकॉर्डिंगली जो अनाउंस किया गया बहुत सारे ऐसे लाभार्थी गांव के गांव उन्होंने नेगेटिव किए हैं उनको आपात्र किया उसका भी ध्यान हमें देखना चाहिए बहुत सारे आ, मुद्दे हैं मैडम कि आदिवासी गांव में जो 4G और 5G लाने का हमने सोचा है हमारे क्षेत्र में ट्राइबल एरिया है जहां पर मेलघाट करके बोला जाता है वहां पर आज भी बच्चे हमारे 2G और 3G नहीं पा सकते हैं ऐसे क्षेत्रों को थोड़ा सा प्रावधान देंगे तो वहां के बच्चों को 4G का लाभ से उनके एजुकेशन में और बढ़ोतरी होगी और आदिवासी बच्चों को शेड्यूल ट्राइब लोगों को जो वहाँ पर रहते हैं उनको बहुत बड़ी मदद होगी आज जब मोदी जी ने हमारे प्रेजिडेंटल भाषण में कहा कि हमने ये काम किया हमने ऐसा किया हमने वैसा किया तो बहुत सारे लोगों ने महाराष्ट्र में उनपे ब्लेम किया कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का अपमान किया महाराष्ट्र में कोई भी योजना का लाभ नहीं दिया ऐसी योजनाओं के कुछ नाम मैं घिनाना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय जो महाराष्ट्र में ये सरकार के बाद वहां पर आए हैं पालकी मार्ग अरे पालखी मार्ग या महाराष्ट्रामध्ये मा सगळ्यात मोठा पालखी मार्ग जे या सरकारने आदरणीय प्राईम मिनिस्टरजीने दिलेला आहे त्याची आकडे मी सांगन आपल्याला अध्यक्ष महोदय बारा हजार टू नाईन्टी फोर करोड रुपीजचा हा रोड आहे जिथे सगळे भावी भक्त पूर्ण देश पूर्ण भारताचे आपण म्हणू शकतो आणि महाराष्ट्र पूर्ण विठ्ठल रुक्मणीना मानणारा जो वर्ग आहे त्या मार्गाने जाते आणि त्याचं उद्घाटन आमचे आदरणीय प्राईम मिनिस्टर या देशाचे प्राईम मिनिस्टरने केला आणि ज्यांनी संबोधन करताना विठ्ठल रुक्मिणीचे मागच्या इतिहासाच्या भाषण मध्ये हा उद्घाटन त्यांनी केला समृद्धी महामार्ग ज्या नागपूर मुंबईला जोडणारा मार्ग आहे हे सरकारने त्याला फंड दिलं मी आपल्याला सांगन सेवन सिक्स लाईनचा तो रोड आहे सातशे एक किलोमीटरचा आहे आणि एस्टिमेटेड फिफ्टी फाईव्ह थाउजंड करोड रुपीचा तो एस्टिमेटेड रोड आहे त्याचं काम या सरकारने केला आणि नाव देण्याचं काम फक्त या महाराष्ट्र सरकार ने किया मैडम हमने आपकी सरकार ने हमारी सरकार ने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी की सरकार ने ये सब काम किए कितने रेलवे लाइंस के काम ये महाराष्ट्र में किए हैं मेट्रो जितने भी कॉरपोरेशन एरियाज हमारे जगह है डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मेट्रो से कनेक्टिविटी करने के लिए मेट्रो के पूरे मुंबई से yes, लेके नागपुर सर लास्ट टू मिनट्स प्लीज जस्ट लास्ट टू मिनट्स सर टू मिनट्स और ना नासिक थाने नागपुर पुणे नाव वी आर प्रपोजिंग फॉर अमरावती सर फॉर मेट्रो लाइन्स एंड आफ्टर दैट एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के अंतर्गत अभी सिंधुदुर्गा में इसका इनोग्रेशन हुआ है सर सो मेनी नासिक जलगांव कोलापुर सोलापुर नांदेड़ रत्नागिरी अमरावती गोंदिया सिंधु जिसका भी उद्घाटन हुआ है हवा में बातें करके ये सरकार को ब्लेम करके कोविड के बाद ये सरकार ने और प्राइम मिनिस्टर जी ने हाथ ऊपर नहीं किए लोगों को कैसे बेनिफिट देना चाहिए और ग्राउंड पे कैसे काम करना चाहिए वो काम ये सरकार ने किया आज शिवसेना के सीनियर लीडर ने जब अपना स्पीच दिया तो उन्होंने सिर्फ एलिगेशन का करने का काम किया ना ही किसानों के बारे में बात की ना ही गरीबों के बारे में बात की ना ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बात की ना ही घरकुल के बारे में बात की ना ही लोग किसानों के खेतियों में किस तरीके से खाद yes. और ये सब चीजों को इजिली प्रोवाइड करना चाहिए ना ही उसके बारे में बात की ये किस चीज के लिए बात कर रहे हैं ऑनलाइन जब सीएम जी पी हमारे ऑनलाइन आते हैं और सभी सीएम से मांगते हैं कि आप आके अपनी समस्या बताइए yes. अपने राज्य की सर लास्ट वन मिनट आई जस्ट एंड अप